फ्रेंड्स, दीप मोहित किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। भिंडी जो सबको बहुत पसंद होती है, बच्चे चाहे बड़े हों, और उसकी अलग अलग सब्जियाँ हम बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा चलिए आपके संग भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर करूँ। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही लाजवाब बनती है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। इसको मैंने बहुत ही कम ऑयल में बनाया है जो कि हेल्दी भी है। तो चलिए बना लेते हैं भिंडी दो प्याज़ा रेस्टोरेंट स्टाइल। भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने हाफ के जी भिंडी ले ली है, और अब हम इसको मैंने इसको धो लिया है और इसको पोंछ लिया है, और अब हम इसको कट करेंगे। ऊपर का हिस्सा हम इसका कट कर लेंगे और इसका नीचे का हिस्सा कट कर लेंगे। सारी भिंडियों को हम ऐसे काट लेंगे। कट करने के बाद हम इसके 1-1 इंच के टुकड़े कर लेंगे भिंडी के। आप चाहें तो थोड़े बड़े भी कर सकते हैं या आप इससे थोड़े छोटे भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर का दोनों हिस्सा काट करके और फिर हमें इसका इसको इस तरीके से सारी भिंडियों को कट कर लेना। अब देखिए मैंने सारी जो भिंडियां हैं वो 1-1 इंच के टुकड़ों में काट ली हैं। अब मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है, इसको मैंने छील करके और 5 हिस्सों में कट कर लिया है क्योंकि बड़ा था। अब हम इसके सारे ये वाली लेयर्स अलग कर लेंगे। लीजिए ये सारी लेयर्स अलग हो गई हैं। भिंडी दो प्याज आया तो उसमें प्याज तो बहुत अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। तो चलिए अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। अब मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल में ही सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें अपनी जो भिंडियाँ हैं उसे फ्राई करेंगे। इसे हम बहुत डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। जब तक हमारी भिंडी का कलर हल्का ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब देखिए हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लगे हैं और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैंने सारे अपनी भिंडियाँ निकाल ली हैं। अब मैं इसमें जो प्याज के स्लाइसेस थे उसको भी हम थोड़ा फ्राई कर देंगे। उसी तेल में हम फ्राई करेंगे जो तेल हमारा भिंडियों से बचा है। इन्हें भी हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब मेरे ये प्याज भी अच्छे से हल्के से ब्राउन हो गए। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। लीजिए मैंने प्याज निकाल लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच रिफाइंड सरसों का तेल और डाल दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखी लाल मिर्ची डालूंगी और कैरम सीड डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच। ये भिंडी में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और 1 बड़ा प्याज हमने चॉप कर लिया था वो हम डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे ये प्रोसेस आप करेंगे। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेते हैं। दो हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी वो हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें थोड़े सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले में लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, नमक थोड़ा सा आप डालेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में नमक और डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम मैंने 2 टमाटर को पीस के प्यूरी बना ली थी वो डाल देंगे। इसे अच्छे से टमाटर को हम ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। अच्छे से टमाटर जब पक जाएंगे, देखिए इनको आप मीडियम फ्लेम पे ऑयल सेपरेट होने तक पकाइए। अब देखिए हमारे टमाटरों से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इस गैस को ऑफ कर देंगे। ऑफ आप सोच रहे होंगे क्यों करा, क्योंकि अब हमें इसमें दही डालना है।
इसमें एक बड़ा चम्मच पहले दही डालेंगे, क्योंकि दही को हमेशा हमें फ्लेम को ऑफ करके ही डालना चाहिए ताकि दही हमारी फट ना जाए। अब हम अपनी इसको अच्छे से मसाले मिला लेंगे और अब गैस को ऑन कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। लीजिए, हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसमें अपनी भिंडी और प्याज जो हमने फ्राई किए थे वो डाल देंगे और अच्छे से अपनी ग्रेवी में कोट कर लेंगे। ग्रेवी अगर थोड़ी सी गीली होती है तो कोटिंग बहुत अच्छे आसान तरीके से होती है और सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है। भिंडी तो वैसे ही सब बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद होती है और सीजन भी भिंडी का ही चल रहा है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी बनी है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा अमचूर पाउडर, इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे ढक करके 10 मिनट को कुक करेंगे। वैसे तो हमारी भिंडी और प्याज दोनों ही हमने फ्राई कर रखे थे, मगर 10 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगी। अब हम इसको 10 मिनट तक धीमी आंच पर ढक देंगे। देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है और मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको चला के देख लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी भिंडी तैयार हुई है। भिंडी दो प्याज़ा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और देखने में बहुत लाजवाब लग रही है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। लीजिए तैयार है हमारे भिंडी दो प्याज़ा और देखिए कितनी लाजवाब लग रही है, कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और इसे आप बनाइए, सबको खिलाइए, बच्चे बड़ों को सबको खिलाइए। आपके घर पार्टी हो तब भी आप इसको बना सकते हैं या आप घर में भी इसे आराम से बना सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है, लाजवाब भिंडी बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।